cukup sih baca kerja 15 tahun jadi dari बीएचयू प्रशासन ने मांग की है कि उन्होंने अवगत कराया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि इनके द्वारा ऐसे हॉस्टल जिनसे लगातार असामाजिक गतिविधियां हो रही हैं और जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो लगातार परेशान हो रहे हैं, उनके द्वारा ये मांग की जा रही है कि साहब यूनिवर्सिटी का माहौल सुधरे ताकि उनको पढ़ने में या हॉस्टल में रहने में किसी तरह की असुविधा ना हो। तो जो फैसला यूनिवर्सिटी ने लिया है ऐसे हॉस्टल को इवैक्यूएट करने में छात्रहित में, और उसके लिए जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हेल्प मांगी है टू एंश्योर लॉ एंड ऑर्डर एंड टू एंश्योर दैट नथिंग हैपन्स अगेंस्ट लॉ और यूनिवर्सिटी की जो डिग्निटी है और बच्चों की जो पढ़ाई है, छात्रों का हित है, वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहे, इसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं विश्वविद्यालय प्रशासन के सहयोग करने के लिए। ये तो लिखित में मैंने बताया, लिखित में यूनिवर्सिटी ने डिसीजन लिया है और कम्युनिकेट किया है हॉस्टल वार्डन को और डीन्स को, और ये हॉस्टल जो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए काम कर रहा है। जो बच्चे बैठे हुए हैं धरने पे, इनके लिए कैसे मनाया जाएगा? ये काफ़ी देर से धरने पे, लगभग 8 घंटे। देखिए, ये जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पढ़ने वाले बच्चों के द्वारा ही ये लगातार मांग की जा रही है कि जो रोज़ रोज़ यूनिवर्सिटी का माहौल ख़राब हो रहा है और कुछ हम में से ही लोग लगातार आगजनी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, उन सब पे अंकुश लगना ज़रूरी है। तो ये सारे असामाजिक तत्वों पर यूनिवर्सिटी जो अंकुश लगा रही है उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का पूरी तरह सहयोग रहेगा, और जो लोग यहाँ इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।